नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कुदरत का कहर टूट गया है, नेपाल में भूकंप से हाहाकार मचा हुआ है। नेपाल के अंदर दोस्तों पश्चिम हिस्से में भारी तबाही मची है। भूकंप का केंद्र जाजरकोट में था और आसपास के कई जिलों में झटके महसूस किए गए हैं। अब तक लगभग 144 लोगों की मौत हो गई है। 6.4 की रफ्तार से भयंकर भूकंप आया है। बता दें कि लगभग दोस्तों ये आंकड़ा 200 के पार पहुंच सकता है। जाजरकोट जिले के भेरी, नलगढ़, कुसे, बरेकोट और चेंदागढ़, नलगढ़ के डिप्टी मेयर सरिता की भी मौत हो गई है। यहां दोस्तों भूकंप से चारों ओर तबाही का मंजर दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के तेज भूकंप में मारे गए लोगों के परिवार के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दुखी घड़ी में भारत नेपाल के साथ खड़ा है और सभी जरूरी मदद देने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की है। भूकंप में सबसे ज्यादा तबाही जाजरकोट में मची है, जहां लगभग 100 लोगों की मौत हो गई है। 6.4 की रफ्तार से भयंकर से अति भयंकर भूकंप आया है, जिसके चलते सैकड़ों घर जमींदोज हो गए हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। उधर प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने तीनों सुरक्षा एजेंसियों को तुरंत बचाव और राहत कार्यों में शामिल होने का निर्देश दिया और आपदा पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों के दौरे के लिए रवाना हुए सैन्य हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री जाजरकोट और पश्चिमी रुकुम के दौरे पर गए, जहाँ भूकंप से सबसे ज्यादा तबाही मची है। बता दें कि इस समय कुदरत का कहर टूट रहा है, पृथ्वी पर हाहाकार मच रहा है, भयंकर से अति भयंकर भूकंप आया है। नेपाल के अंदर भूकंप से तबाही मची है। बता दें कि नेपाल में जो भूकंप आया है, जिसका असर भारत के लगभग दोस्तों 8 राज्यों में महसूस किया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है।